तो कुंभ की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ हर रोज बढ़ रही है। जैसे जैसे दूसरे शाही स्नान की तिथि करीब आ रही है, कुंभ में लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। 4 फरवरी को मौनी अमावस्या है और इसके दूसरे दिन शाही स्नान होना है। दूसरे शाही स्नान में प्रयागराज में करीब 5 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में प्रशासन मौनी अमावस्या पर स्नान की तैयारियों में जी जान से जुट गया है। फरवरी की 4 तारीख को प्रयागराज एक बार फिर आस्था का महासमुद्र देखेगा। मौनी अमावस्या के दिन संगम की रेती पर कुंभ एक बार फिर आस्था की सदियों से बहती धारा देखेगा। 4 फरवरी को शाही स्नान के साथ कुंभ आस्था की डुबकियों से पावन होती मानवता का गवाह बनेगा। मौनी अमावस्या को संगम का तट एक बार फिर सदियों से सनातन परंपराओं की मनोकामनाएं पूरी होते हुए देखेगा। वैसे तो कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। रोज लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से कुंभ पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा रेला मौनी अमावस्या के दिन पहुंचने वाला है। अनुमान है कि इस दिन संगम के तट पर करीब 3 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सबसे ज्यादा दबाव रोडवेज और रेलवे पर है। कहा जा रहा है कि इस बार पहले शाही स्नान के मुकाबले बसों की संख्या दुगनी होगी। यही नहीं, कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों की तादाद भी बढ़ाई गई है। रेलवे मौनी अमावस्या के दिन जहां 75 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा, वहीं रोडवेज 5500 बसों के जरिए लोगों को संगम नगरी पहुंचाएगा। यही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि अगर भीड़ अनुमान से ज्यादा हुई तो बसों और ट्रेन की संख्या बढ़ सकती है। प्रशासन के लिए मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का रेला चुनौती बन सकता है। कुछ मेला अधिकारियों का कहना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या 5 करोड़ को भी छू सकती है। ऐसे में इंतजाम कम ना पड़े, इसे लेकर मेला प्रशासन हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। यही नहीं, कोशिश ये भी की जा रही है कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से ज्यादा हुई तो रेलवे 25 अतिरिक्त ट्रेन भी चला सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर संगम पर देवताओं का आगमन होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। साफ है कि कुंभ नगरी में इंतजार 4 तारीख का है, जब दुनिया प्रयागराज की धरती से मानवता का सबसे बड़ा तीर्थ देखेगी।